हाय फ्रेंड्स, मैं शालिनी रेस्क होगी। आज आपको पूरन पोली बनाने की रेसिपी बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। 200 ग्राम चने की दाल, 150 ग्राम गुड़, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, 200 ग्राम मैदा, 1/4 चम्मच सफ़ेद इलायची का पाउडर, थोड़ा सा देसी घी, 1 चम्मच रिफाइंड और आधा चम्मच जायफल का पाउडर। जायफल कुछ इस तरह से होता है, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। सबसे पहले चने की दाल लेंगे और उसको साफ करने के बाद उसको 4-5 पानी से धो लेंगे और धोने के बाद उसको कुकर में डाल के 2 प्रेशर लगा लेंगे। उसके बाद ये दाल हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी, गल जाएगी और इसका जितना भी पानी है उसको हम निकाल देंगे और इसको पीस लेंगे। चने की दाल पीसने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है हमें और इसको एक साइड में रख देंगे। और अब हम डो बनाएंगे। अब एक बाउल लेंगे और उसमें मैदा को डाल देंगे और 1 चम्मच जो हमने रिफाइंड निकाला था उसको भी इसमें मिला देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा रिफाइंड नहीं डालना है इसमें हमें, बस 1 चम्मच डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। इस तरीके से इसका डो बना लेंगे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है हमें, सॉफ्ट ही रहना चाहिए और इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब गैस को ऑन करने के बाद उस पर हम फ्राई पैन को रखेंगे और जो चने की दाल का पेस्ट था उसको इसमें डाल देंगे। गैस को हल्का ही रखना है। और गुड़ जो है हमारे पास इसको भी इसमें डाल देंगे। गैस को हल्का रखना है और इसको आपस में मिला लेंगे। और इसको जब तक मिलाएंगे जब तक ही सारा गुड़ हमारा इसमें पिघल के मिक्स नहीं हो जाता है चने की दाल के साथ। और इसको भून लेंगे थोड़ी देर। इसको हल्के हाथ से चलाते रहना है हमें लगातार। गैस को भी हल्का ही रखना है। गुड़ और चने की दाल दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जो हमने पाउडर बनाए थे वो इसमें मिक्स करेंगे। जायफल का पाउडर, और छोटी इलायची जो हमने पीस ली थी उसका भी पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब डो हमारा तैयार हो चुका है। इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इस तरीके से। बाकी के डो की भी गोली बना लेंगे। अब इस तरह से एक गोली लेंगे इसकी डो की और सूखी मैदा लगा के इसको बेल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी भी बेल लेंगे। दोनों को हमने बेल लिया है और अब इसमें जो हमने ये मिक्सचर बनाया था इसको इसमें भर देंगे। और ये दूसरी पूरी जो बेली है इसके ऊपर रख के इसके किनारे दबा देंगे। और इस पे सूखा आटा लगा के दोबारा से बेलेंगे। इसको हमें जितना बेल सकते हैं पतला से पतला उतना बहुत बेलेंगे इसको।
इस तरह से बाकी गोभी हम अपने तैयार कर लेंगे। और अब तवे को गरम करेंगे। हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम इसको सेकेंगे। पहले एक साइड से सेकेंगे, फिर पलट के दूसरी साइड से। ये एक तरफ से सेक चुकी है, अब इसको हम पलट देंगे और इधर की साइड से भी सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी सेक चुकी है, अब इस पे लगाएंगे घी। गैस को हल्का ही रखना है और इसको हल्की आंच पे हमें सेकना है। ब्रेड दबा के सब तरफ के किनारे इसके इसको सेक लेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और जायफल होने की वजह से एक डिफरेंट स्वाद आता है इसका। पीछे भी लगा लेंगे इसके घी। इसको पलट देंगे। आप चाहे तो इसको ओवन में भी सेक सकते हैं, लेकिन जिनके पास ओवन नहीं है ये मैंने उनको बताया है। अब ये दोनों साइड से सेक चुका है और रेडी है, और हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। इस तरह से रेडी हो जाएगा हमारा मीठे पराठे, और इसको थोड़ा सा आइसिंग शुगर डाल के इसको डेकोरेट कर देंगे। थैंक यू।